According to this rule, when alkyl halides having two or more beta hydrogen undergo dehydrohalogenation reactions, then such alkenes are formed as major product in which more number of alkyl groups are attached to a double bonded carbon. ऐसे alkyl halides जिसमें two or more beta hydrogen होता है, जब वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में जाते हैं तो वही एल्कीन्स ज्यादा बनती है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसका एग्जांपल देखिए, यह है टू ब्रोमो पेंटेन। इस एग्जांपल में आप ध्यान देंगे फर्स्ट कार्बन से भी बीटा हाइड्रोजन अटैच है और थर्ड कार्बन से भी बीटा हाइड्रोजन अटैच है। कीप इन माइंड जो कार्बन हैलोजन से अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। सेकेंड कार्बन अल्फा कार्बन है, आप ध्यान देंगे जो सेकेंड कार्बन दिख रहा है वो अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे हैलोजन अटैच है। सेकेंड कार्बन से हैलोजन अटैच है इसलिए इसको अल्फा कार्बन कहेंगे और इसके जस्ट बगल में जो भी कार्बन होगा उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। जस्ट बगल में फर्स्ट कार्बन है तो ये भी बीटा कार्बन हो जाएगा इसलिए इसे अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। और सेकेंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन अटैच है इसको हम बीटा कार्बन कहेंगे क्योंकि अल्फा कार्बन से जो भी अटैच कार्बन होता है वह बीटा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ दो बीटा कार्बन है, एक फर्स्ट है और एक थर्ड है क्योंकि दोनों ही अल्फा कार्बन के बगल में है, नेक्स्ट टू है ये, इसलिए इनको बीटा कार्बन कहा जाएगा। और इनसे अटैच जो भी हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन होगा, यानी फर्स्ट पर भी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है और थर्ड पर भी। हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगा मींस जब ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन शो करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है फर्स्ट से हाइड्रोजन निकल जाए और सेकेंड से हैलोजन निकल जाए। तो ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट हमारा ये आएगा CH3 CH2 CH2, फिर CH होगा, फिर आप ध्यान देंगे यहां पर CH2 होगा। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, मींस फर्स्ट से भी हाइड्रोजन निकला है बीटा हाइड्रोजन इसलिए इसकी वैलेंसी वैकेंट हो गई और सेकेंड से भी आपका हैलोजन निकला है इसलिए सेकेंड कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हो गई। फर्स्ट और सेकेंड की वैलेंसी वैकेंट हुई है इसलिए इनके बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से जो प्रोडक्ट आएगा वो पेंट वन इन आएगा या पेंटिन आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि थर्ड से बीटा हाइड्रोजन निकल सकता है, थर्ड से बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और सेकेंड से हाइड्रोजन यानी ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा जिससे सेकेंड और थर्ड के बीच की बैलेंसी वैकेंट हो जाएगी। ध्यान दीजिए CH3 CH2 CH CH CH3, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। देखिए सेकेंड और थर्ड कार्बन से सेकेंड और थर्ड कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हुई है क्योंकि एक बार पॉसिबिलिटी है सेकेंड कार्बन से ब्रोमीन निकल जाए और थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए तो इससे सेकेंड और थर्ड के बीच की वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा मीन्स डबल बॉन्ड बन जाएगा मॉलिक्यूल में और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये पेंट टू इन आएगा। यही मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है। सेकेंड पर भी वन एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया मेथाइल ग्रुप और थर्ड पर भी वन एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया एथाइल ग्रुप, मींस सेकेंड पर वन एल्काइल ग्रुप अटैच है और थर्ड पर भी एल्काइल ग्रुप अटैच है इसलिए ज्यादा बनेगा इसको मेजर कहेंगे और पेंट वन ही कम बनेगा इसको माइनर कहेंगे। क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिएगा केवल सेकेंड कार्बन से ही ओनली वन एल्काइल ग्रुप अटैच है जिसका नाम प्रोपाइल ग्रुप है। सेजर टूल यही कहता है वही एल्कीन्स एज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी जिसमें
ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है, सेकेंड से आपका मेथाइल ग्रुप अटैच है और आपका एथाइल ग्रुप अटैच है। इस तरह से इसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसमें ओनली 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है जिसका नाम प्रोपाइल ग्रुप है, वो भी अटैच है सेकेंड कार्बन से। कीप इन माइंड मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, फर्स्ट मेथाइल ग्रुप अटैच है और सेकेंड एथाइल ग्रुप, इसमें ओनली 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है वो है आपका प्रोपाइल ग्रुप जो सेकेंड कार्बन से अटैच है। सजे प्रूफ यही कहता है वही एल्कीन ज्यादा बनेगा जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होंगे। ये रूल आपका समाप्त हुआ।